रियाल मोडोड वर्सेज मानचेस्टर सिटी इट डजेंट गेट एनी बेटर दैन दिस ये जो क्लैश है ये बेसिकली चैम्पस लीग के फाइनल में होना चाहिए तब फिर इस गेम की ना वर्चुअसनेस लोगों को पता चलती एपिक बैटल है कार्लो एंड चलोटी का टू हंड्रेड मैच है ये मतलब कार्लो एन चोलॉटी इस दिन मैनेजर जिन्होंने चैंपस लीग में सबसे ज्यादा गेम मैनेज किए हैं बीटिंग सर एलेक्स फर्गसन ये जो एक मोन्यूमेंटल गेम है ये दोनों ही टीम का सीजन शेप कर सकता है

आपका मेन गोलकीपर बाहर है आपका मेन डिफेंडर बाहर है बल्कि दोनों डिफेंडर बाहर हैं। आप चुआमनी के साथ डिफेंस में खेल रहे हो काफी दिनों बाद नाचो वापस आते हैं रूडीगर वापस आते हैं वो खेल रहे हैं, अलाबाद मिलिटा सब आउट है और इन तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के आउट होने के बाद भी यू हैव बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड एंड द लीस्ट एक्स जी ए मतलब बहुत बड़ी बात है लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं And at a point of time, we have seen Real Madrid get opened up. But theory teams Leipzig, se le kar, Girona, se le kar, Atletico Madrid, Sociedad, A lot of teams have opened them up, but they haven't found their way. बैक ऑफ द ने तो ये क्या है आई थिंक ये, ये गेम क्योंकि पर मैच फोर पॉइंट थ्री गोल्स आपको प्रोमिस करता है ऑन एन एवरेज तो आपको इस मैच में डेफिनेटली गोल्स देखने को मिलेंगे बट हाउ वुड द टीम अप्रोच दिस गेम कालोन चलौटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाले बेबास ट्रेनिंग ग्राउंड पे एक सौ बीस लोग अवेलेबल थे जिनमें कि मोर देन फोर्टी नॉन स्पेनिश लोग थे रिपोर्टर्स उन्होंने सिंपल से बात की भाई मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजों को आई डोंट है लाइक दैट तो मतलब सिंपल फुटबॉल ठीक है जो हम करते हैं वो हम करेंगे दिस गेम इज मोर अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट द मेंटल फिटनेस शार्पनेस एंड मेंटेलिटी ऑफ द टीम्स रादर देन इट इज अबाउट द टैक्टिक्स बट दूसरी तरफ है पिपगोडियोला बेस्ट टैक्टिकल माइंड ऑफ नॉट द बेस्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल पेप गोडियोल इस मैच को कैसे अप्रोच करेंगे नोइंग की वुड नॉट है टीम उसके पास नेतना नहीं है भी नहीं खेलेंगे एज पर करेंट रिपोर्ट ही हैज बट बहुत बड़ा डाउट है पेप ने खुद ही बात कही है तो क्योंकि पिछले साल हमने देखा काइल वॉकर वॉज कमिंग अगेंस्ट विनीशिय जूनियर राइट हैंड साइड पर कायल वॉकर ने अच्छी डिफेंडिंग की थी विनी के अगेंस्ट एंड पहला लेग वन वन को ड्रॉ दूसरा लेग एहतियाद पर हमने देखा फोनल थ्रैशिंग ह्यूमिलियशन था रियाल के लिए

कहते हैं कि वो अंडर प्ले कर दिया उन्होंने कि भाई ये इतनी बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम नहीं है और ऑब्वियसली ठीक है मैच बाय मैच हमें जाना चाहिए तो कल का मैच क्या कैसा रहेगा डिफेंस लाइन क्या होगी यहाँ पे सो मैंने काफी लंबा भाई यहाँ पे भाई काफी सोचा काफी सोचा आई लाइक like, भाई देखो मडरिड का तो इलेवन सिंपल है कालां चलोटी लाइन अप देते हैं खुद ठीक है कालां चोटी इज वेरी सिंपल गाय सो मडरिड का इलेवन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं भाई लुनिन रहेंगे कारवाहाल रहेंगे चुआमनी अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या चुआमनी डिफेंस में होंगे कि नाचो खेलेंगे अलॉन्ग विथ रूडिगर एंड फरलान मिंडी रहेंगे भाई अब यहाँ पे बात आती है कि मिडफील्ड में कौन होगा तो अगर चुआमनी डिफेंस में खेलते हैं दैट मीस नाचो वॉन्ट भी प्लेंग एंड चुआमनी मिड में ना खेल के डिफेंस में रहेंगे दैट मीस कामोविंगा आ जाएंगे यहाँ पे मिडफील्ड में विथ क्रूज और हमें पता भी कामोविंगा एट टाइम्स डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा में यू नो शेकी है अभी टॉप सेम सिनारियो रहेगा विनीशियस रोड्रिगो फेडिवाल वर्दे जूड बेलिंगम और एक और चीज आप कर सकते हो कि मतलब आपने चुआमनी को मिडफील्ड में खिला दिया कामोविंगो को आप बच पे रख रहे हो एंड नाचो और रूडिगर के साथ आप डिफेंस में जाते हो देखो एक प्रॉब्लम है बिटवी नाचो एंड कालोन चौराटी वो तो सबको पता है मतलब एक ऐसा फील है नाचो कोज नॉट वेरी मच अप्रप्रिशिएटेड वेल द बोर्ड लव एम इन एवरीथिंग कालोन चौराटी बहुत ज्यादा उसको खिलाते नहीं है इट्स नेसेसरी सिटी का इलेवन सोच के बारे में मेरी फट गई सबसे सिंपल जो मेरे दिमाग में चीजें आई वो ये थी भाई फोर वन फोर वन जो सिटी यूजुअली खेलती है रिको लुइस राइट बैक दियास और अकांजी हो जाएंगे यहां मिडफील्ड में यू कैन गो विध रॉड्री के डीबी बर्नाडो सिल्वा का थोड़ा डीप खेलना फिर जरूरी हो जाएगा क्योंकि दे हैव स्टोन टू इनवर्ट क्योंकि रिको लुइस खेल रहे हैं वो इन्वर्ट करेंगे ऑन द वाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली ग्रिलिश एंड हाल्ट अब ये एक सेटअप है इसके अलावा एक दूसरा सेटअप है एंड दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन गोडियॉल कि भाई अगर ग्डियोलॉल खेल रहे हैं तो अकांजी स्टोन

रिको लुइस खेलते हैं राइट बैक के रोल में हम सबको पता है रिको लुइस चढ़ते हैं ऊपर दैट मीन्स कि हमारी टीम फटेगी स्टोन और अकांजी बट आई थिंक बेटर क्या होगा पता है इफ इट इज लाइक दिस क्योंकि भाई अल्टीमेटली रिको लुइस तो राइट बैक खेल ले रहे हैं और अल्टीमेटली अकाजी लेफ्ट बैक तो खेल ले रहे हैं बैक थ्री में ही वो सेटअप होंगे तो ये बेटर होगा दैन द अदर इंस्टांस जो मैंने आपको दिखाया इससे क्या फायदा होगा रोड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर विनीशियस को वन वी वन डिफेंड करने के लिए अकांजी उनके ऊपर रह सकते हैं रॉड्रिको के साइड से दियाज हो सकते हैं और स्टोन्स बाई ऑब्वियसली स्टोन स्टोन्स हैं यहाँ पे एंड रिको लुइस वॉट कैन यू डू इसकी ड्रिफ्ट इन टू द मिड फील्ड वो रॉड्रिक के साथ खेल सकते हैं दैट कुड अलाउ के डी बी टू पुश अप एंड इससे एक चीज़ और हो सकती है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिटी के लिए कि भाई बर्नाडो फ्री हो सकते हैं ही कैन गो ऑन द वाइड एरियाज देखो स्टार्ट सिटी का ऐसे ही होता है लाइनअप जो पिच पर दिखाता है आपको स्क्रीन पे बट पिच पे सिटी पलट जाती है वो चेंज कर देते हैं Upna system. And this is how they can become.

डांट प्ले दैट स्टोन्स रोल जो हम रॉड्री के साथ उसको खेलते देखते आए हैं सो so नेचुरली जो मुझे लगा वॉट कुड हैपन विद द स्ट्रक्चर ऑफ सिटी इसकी बर्नाडो ड्रॉप नहीं करें बर्नाडो रॉड्री के साथ डबल पिविट में खेले एंड आइदर ऑफ रिको लुइस कैन गो ऑन द वाइड एरियाज और फोर्डन कैन प्ले ऑन द वाइड एरिया ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी वाइड एरिया पे खेलने की फोर्डन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज देन केडबी क्या होंगे कैन कम इन टू द राइट हाफ स्पेस पे वो इस साल काफी ज्यादा खेले केडबी हैज प्लेड मोर ऑन द वाइड दैन प्लेड एज एन इंटीरियर सो रिको लुइस यहां पे आ जाएंगे इन द दाफ स्पेस एन फोडेन पुषवाएंगे आउट वाइड आई एम आल्सो नॉट कंफर्टेबल विद दिस मैंने क्या बोला यार देखो मैंने अपना दिमाग नहीं बनाया है कि भाई वट इज द बेस्ट सीन फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड यार यहां पे बहुत बड़ा मैसे काइल वॉकर काइल वॉकर के ना होने से सिटी का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा एंड देखो

रिको लुइस को वाइड किया, Foden को इन कर लिया भाई मैंने एंड आई थिंक दिस इज वॉट आई वुड लाइक टू सी बिकॉज देखो आई एम नॉट अंडरमाइंडिंग एनी प्लेयर्स वर्क ओवर मैं क्या कह रहा हूँ कि रिको लुइस वाइड एरिया से वो बेसिक काम कर देंगे पिच को स्प्रेड करना फ्लैंक्स की विथ होल्ड करना एंड टू पिन मिंडी बट यार यहाँ पे रियाल मेडर का नहीं है ट कैसे डिफेंड करिए गोल्स क्यों हैविंग सो मेनी प्लेयर्स आउट बाई जूड हेल्प करते हैं फेदी वालवरदे कुत्तों के तरीके से हेल्प करते हैं ट्रैक बैक करके एंड भाई क्या करते हैं अपने आप को वो कंडेंस कर लेते हैं सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट रियाल मुडर टू सिट इन अ लो ब्लॉक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी मैं फिर से बता रहा हूं नहीं अगर किसी को लगता है कि रियाल मडरिड कल लो ब्लॉक में बैठेगी कहीं सिटी तू रन करो गेम मुझे नहीं लगता है गाइज ऐसा होने वाला है दे वुड बी फेजेस मड्रिड का बेस्ट गेम कब होता है जब मड्रिड होती है एंड फॉर ट्रांजिशन ग्री वुल्प करेंगे जूट फटेंगे गेम में सिटी क्या करने वाली है बॉल दे विल एक्सपैंड पिच वाइड मैंने ग्रिलिश को खिलाया ना कि डोकू को बिकॉज आई डोंट सी

डोकू इज बेटर जब उसको स्पेस मिलती है टू रन इन बिहाइंड मुझे पता है मैंने कहा कि मुडरिट लो ब्लॉक पर नहीं बैठेगी बट वेन सिटी वुड अटैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो फेज आएगा मुडरिट का जहां पर दिल हैव टू सिट

करो पिच को अपने प्ले को भी होल्डअप करो अप टॉप बॉल लूज मत करो द वेरी रीजन आई हैव प्लेड ग्रिलिश केडीबी फोर्डन फोर्ड इन ओवर बिकॉज अगर सिटी ने इन स्पेसेस में बॉल लूज की भाई लोग मड्रिड लो ब्लॉक नहीं जाएगी बट मड्रिड डिफेंड करती है ड्रॉप करके देखो डिफेंड करना इन फर्स्ट थर्ड इज वेरी डिफरेंट टू पार्किंग द बस मड्रिड पार्क द बस नहीं करने वाली बट दे गना डिफेंड इन नंबर्स मड्रिड हमेशा से करते आइए डिफेंड इन नंबर्स क्रूज ड्रॉप करेंगे काम अगर रहेंगे तो ड्रॉप करेंगे तो यार ये जो जब मड्रिड ड्रॉप करती है तो दे क्रिएट अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस उनकी कम होगी सबसे पहले कंडेंस्ड हो गए वो आर वेरी क्विक अगर आपने एक गलत पास किया अगर आपने मिस्टेक किया अगर आपने बॉल लूज की देन वहां से आपका डिस्ट्रक्शन होगा और यही चीज जिस पे कालन चलौटी बैंक करेगा भाई सिटी इस साल बहुत ज़्यादा गोल्स खाई है मेजोरिटी ऑफ द गोल्स हैव कम इन बिकॉज उन्होंने अप टॉप बॉल लूज की बिकॉज दे डोंट हैव दो रिटेनर्स प्लेयर्स लाइक गुंडगौन महारेज अप टॉप एंड प्लेयर्स हैं ईजली बॉल लूज करते हैं बट अभी यहाँ पे बात आती है मड्रिड की इन दी फाइनल फेजेज भाई जूड बिलिंगम वुड बी सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मैच भाई बात सभी ने की है पेप ने भी जूड बिलिंगम के बारे में बात की है भाई कि

पर्सनली लेते हैं कई चीजों को कि इस बार ना आई एम नॉट करें लेट हालण पास पिछले साल मैंने डिफेंडिंग की थी बट भाई मैं खुल गया था सेकंड लेग में बट यार इस बार ना मैं गलती नहीं करूंगा एंड भाई हार्लैंड क्या सोच रहा होगा हरामखोर कोर Haaland भी तो कहेगा भाई मुझे भी खुलने से मुझे भी कुछ करना है इस मैच में पिछले मैच में मैंने हगा था यहाँ पे मोरट किया गया आई ड नॉट है गुड गेम तो यहां आई हैव टू डू समथिंग एंड लेटली भाई हार्लैंड एंड पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस बड़े मैचेस में हार्लैंड हैज बिन वेरी वेरी खोइ और यहां पे तेरे ऑनरी को मैं कोट करूंगा बंदे ने कहा यार कि जब मैं आर्सल पे था दर टू डिफरेंट प्लेयर्स एंड दो डिफरेंट प्लेयर्स अप्रोच द गेम इन डिफरेंट वे तो जब मेरे पास बो कैंप है तो बो कैंप जब खेलते हैं तो आई नो कि भाई मैं कहीं भी रन डालू बो कैप विल फाइंड भी एंड सेम गो विद अर्लिंग हालैंड अब इसके पास पिच पे प्लेयर्स हैं लाइक केवन ब्रू ने जिनके पास एक्सेसिव पासिंग रेंज है तो हालैंड कहीं भी रन डाले केड केडवी वुड बी एबल टू फाइंड हिम बर्नाडो वॉन्ट डू दैट फोर्ड इन वो वोट डू दैट बर्नाडो चाहेंगे कि बात कर रहे थे। और हालैंड अभी तक क्या करता है हार्लैंड अभी तक सेम रन मारता है किसी भी प्लेयर के पैरों पर पे बॉल होगी ही वुड मेक द सेम रन एज इफ्सिंग फ्रॉम केवन डिब्र ने तो यहाँ पे हाललैंड विल हैस्टैंड हाउ ही विदर टीम बाकी टीम ने तो एडप्ट किया है हाललैंड को लेकर बट हालज टूप्ट टीम नाउ बिकॉज ये गेम बहुत क्रिशियल है यहाँ पे हाउ इजन प्ले पिन दी सेंट बैक्स भाई इसको पिन करना पड़ेगा सेंटबैक्स को मडर जब चढ़ती है बाई हाईलैंड वो बनाती है इवन सिटी हालैंड बनकर खेलती और यहाँ पे मडरेड प्लिंग विदऊट नंबर नाइन इनके पास ज्यादा फ्रीडम है एंड कार्लो एचल का फुटबॉल इज अबाउट फ्रीडम यू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फुटबॉल गेम सो so, भाई लोग इससे ऊपर मैं क्या ही बात करूं मतलब यहाँ पे तो भाई आई कांट गो ऑन इन कमेंट अबाउट दिस इट्स गन बी अमेजिंग गेम यार पता नहीं कौन जीतेगा प्रडिक्शन यार मैं बता देता हूँ ठीक है मुझे लग रहा है कि रिया मोडरिड य मैच वन वन ड्रॉ खेलेगी आई एम गोना गो फॉर अ ड्रॉ बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ मुडरिड गोज ऑन विन्स दिस गेम टू वन बाई सिटी की प्रॉब्लम्स है आम नॉट सी दे आर वीक बट दे आर नॉट द सिटी ऑफ द पास्ट एक साइड ट्रिपल विनिंग टीम है और एक साइड भाई फोर्टीन टाइम चैंपियस है ऑब्वियसली तो यू नो कि भाई यहाँ पे विनर कौन होने वाला है मुझे जरूर से बताना रहा कॉमेंट सेक्शन में आई थिंक गो आते वन वन ड्रॉ इस मैच में एंड भाई बाकी इतिहास पे देखा जाएगा क्या होता है सो दैट दैट आप चेकआउट करिएगा की हमारी टी एफ एस डी एस डेड बीड की ये सारी मर्चेंडाइज हमारी है अगर आपको अच्छी लगती है तो परचेस करिएगा डेड बीट डॉट इन से काफी सारे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं और पांच न्यू डिजाइन आने वाले हैं तो जरूर से परचेस करना अगर आपको डिजाइन हमारे अच्छे लगते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस काफी और भाई एक्सट्रीम क्वालिटी लाइक like कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेल नोटिफिकेशन कर ऑन कर देना ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो चुकी है मैं मिलूंगा आज रात में आप लोगों से इन द लाइव स्ट्रीम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट